काफी अरसे से रूस को धमकाते आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार कड़े तेवर दिखाते हुए आईएनएफ संधि को स्थगित कर दिया। शीत युद्ध के दौरान हुई परमाणु हथियार की ये संधि परमाणु निरस्त्रीकरण को एक बड़ा झटका है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो आईएनएफ ट्रीटी से अपने देश का नाम वापस लेने के लिए तैयार है। अमेरिका और यूरोप साल 2014 से मॉस्को पर इस ट्रीटी का उल्लंघन करने का आरोप लगाते आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये भी आरोप रहा है कि रूस आईएनएफ संधि का कई बार उल्लंघन कर चुका है। वहीं इस पूरे मामले पर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि रूस ने सालों तक इस संधि का उल्लंघन करके अमेरिका और यूरोप की सुरक्षा को संकट में डाला है। Russia has jeopardized the United States security interest and we can no longer be restricted by the treaty while Russia shamelessly violates it. If Russia does not return to full and verifiable compliance with the treaty within this 6-month period by verifiably destroying its INF violating missiles, their launchers and associated equipment, the treaty will terminate. अमेरिका के समझौता स्थगित करने के फैसले का नाटो ने भी समर्थन किया है। वहीं रूस ने अमेरिका के इस फैसले की निंदा की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका का ये रुख कानूनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का हनन है। रूस ने अमेरिका के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। आपको बता दें कि 1987 में तत्कालीन सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बचेव और अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आईएनएफ एक ऐसा समूह है जो जमीन से मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइलों के परीक्षण और तैनाती को रोकता है। इन मिसाइलों की रेंज 500 से 5,500 किलोमीटर तक होती है।